क्या है ये? अब से ठीक 40 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित करेंगे। इससे पहले संगोल पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सेंगोल के अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण के चिन्ह सेंगोल को वॉकिंग स्टिक समझकर म्यूजियम में रखवा दिया था, जबकि कांग्रेस ने दलील दी कि सेंगोल स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह नहीं था। इस सियासी लड़ाई में अब जनता कंफ्यूज है कि क्या यह एक ऐतिहासिक परंपरा है या फिर एक वॉकिंग स्टिक। आज फिक्र आपकी में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि यह खास तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, यह 14 अगस्त 1947 की है। इसमें एक तरफ पंडित नेहरू दिख रहे हैं और उन्होंने पीताम्बर ओढ़ा हुआ, उनके एक हाथ में यही सेंगोल दिख रहा है। ठीक बगल में उस वक्त के मद्रास प्रांत में शैव मठ थिरुवा वादू थुरई अधीनम के पुजारी श्री कुमार स्वामी थंबीरन खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं। यह तस्वीर आजादी से ठीक एक दिन पहले की है। इसके बाद 14-15 अगस्त 1947 की रात नेहरू जी ने अपनी ऐतिहासिक स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी थी। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी घटना को सबूत मानते हुए एक ट्वीट किया और यह आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे वॉकिंग स्टिक के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया। अमित शाह का यह पलटवार असल में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के 4 पॉइंट वाले उस ट्वीट पर था, जिसमें उन्होंने ये तो माना था कि तत्कालीन मद्रास प्रांत में धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा एक राजदंड अगस्त 1947 में नेहरू जी को दिया गया था, लेकिन इस बात के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थे कि माउंटबेटन और नेहरू जी के बीच संगोल ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को बोगस कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाया गया भ्रम कहा, यह भी कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद संग्रहालय में इसे रखे जाने के आरोप पर सफाई दी, कहा कि इसे सबको देखने के लिए म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन इस सियासी लड़ाई में उस वक्त टाइम मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट से ट्विस्ट आया। इस रिपोर्ट में उस वक्त संगोल को नेहरू जी को सौंपे जाने के बारे में लिखा गया था। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे जैसे ऐतिहासिक दिन पास आता गया, भारतीयों ने अपने अपने भगवान को धन्यवाद देना शुरू किया और विशेष पूजा प्रार्थना भजन वगैरह सुनाई देने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले की शाम को जवाहरलाल नेहरू धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहे। दक्षिण भारत में तंजौर से मुख्य पुजारी श्री अम्बलवाण देसीगर स्वामी के 2 प्रतिनिधि दिल्ली आए थे। श्री अम्बलवाण ने सोचा कि प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह भारत सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में नेहरू को पवित्र हिंदुओं से सत्ता का प्रतीक और अथॉरिटी हासिल करनी चाहिए। पुजारी के प्रतिनिधि के साथ वाद्य यंत्र नागस्वरम को बजाने वाले भी आए थे। 14 अगस्त की शाम को ये सभी लोग धीरे धीरे नेहरू के घर की तरफ बढ़े और जब नेहरू के घर पहुंच गए तो उस वक्त भी नागस्वरम बजता रहा। इसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ घर में प्रवेश किया। एक सन्यासी ने 5 फीट लंबा सोने का राजदंड लिया हुआ था। तंजौर से लाए पवित्र जल को नेहरू पर छिड़का और उनके माथे पर पवित्र भस्म लगाया। इसके बाद उन्होंने नेहरू को पीतांबर ओढ़ाया और उन्हें सुनहला राजदंड सौंप दिया। इसके बाद शाम को नेहरू और दूसरे लोग संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के घर गए। वापस आने पर 4 केले के पौधे लगाए गए। ये अस्थाई मंदिर के खंभे के तौर पर लगाया गया। पवित्र अग्नि के ऊपर हरी पत्तियों की छत तैयार की गई और ब्राह्मण पुजारी शामिल हुए। हजारों महिलाओं ने भजन गाए।
संविधान तैयार करने वाले और मंत्री बनने जा रहे लोग पुजारी के सामने से गुजरे और उन्होंने पवित्र जल छिड़का। इसके बाद सभी पुरुषों के माथे पर लाल टीका लगाया गया। भारत के शासक शाम को धर्म निरपेक्ष स्वरूप में थे। 11 बजे वे संविधान सभा हॉल में इकट्ठा हुए। नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। आधी रात के इस पहर में जब दुनिया सो रही है, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.